हेलो नमस्कार साथियों, रीजनिंग की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया कि रीजनिंग की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी सेक्टरों में एग्जाम हुए थे उन सभी सेक्टरों की रीजनिंग की प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमें दिख रहा है कि किसका वर्ग दिख रहा है यहाँ पर, 16 का वर्ग। तो 16 से हमने एक कम किया तो 15 आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये किसका वर्ग दिख रहा है, 35 का वर्ग, 35 से कम किया 34 आ गया। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर कितने का वर्ग होगा, 18 का वर्ग करेंगे, उसमें से एक कम करेंगे तब तो 17 आएगा। तो 18 का वर्ग कितना होता है बताइए, 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। तो 324 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए इसे बनाइए। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को एन ओ ई एम ई एल के रूप में और टेबल्स को आर वी ए आई एस ई के रूप में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में एम ए टी यू आर ई को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पर हमने पीपल को क्या लिखा, पी ई ओ पी एल ई को क्या लिखा हमने, एन ओ ई एम ई एल लिखा। तो देखिए जे पी 16 पर, 5 15 16 12 5 ठीक है। अब देखिए चार क्रम किया कितना आया, चार क्रम किया 14 आ गया, 16 से चार क्रम किया 14 आ गया। यहां पर वो कितने पर, 15 पर और ई 5 पर। देखिए यहां से उन्होंने कुछ नहीं किया, पलट दिया, यहां से इसको भी पलट दिया, बाकी 16 में से यहां पर कितना कम कर दिया उन्होंने, -3 कम कर दिया तो 13 बचा। तो बस उन्होंने किसको चेंज किया, पहला और चौथा वर्ड चेंज किया। उसी प्रकार आपको इसमें भी चेंज करना है। देखिए एम ए टी यू आर ई ठीक है, देखिए एम 13 और चौथा वर्ड पर लिख दिए ई 21। देखिए 13 से हमने 4 कम किया 9 आया और 21 से हमने 3 कम किया तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो आई बताइए, आई आएगा ना, आई यहां पर 2 कम किया ना, 2 कम किया 14 आया, 2 कम किया तो यहां पर 13 से हम 2 कम करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। एक सेकंड साफ कर दूं क्या आएगा, ठीक है यहाँ पर कितना कम आया, 11 आएगा। 11 पर क्या आ रहा हमारा, किया आ रहा, एक सेकंड साफ करके लिखता हूँ, एक मिनट पूरा यहाँ पर 13 आएगा। 13 से 2 कम किया 11 आया और 18 से 3 कम किया, 21 से 3 कम किया क्या है, 18 आया। देखिए 11 को हम के लिखेंगे, यहाँ से मैं उल्टा करना तो टी आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर 18 पर आ रहा था, फिर यहाँ से ई आएगा, फिर आर आएगा, इसको चेंज कर देना ठीक है। तो के टी ए आर ई आर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसे बनाइए। देखिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपको यहाँ पर समीकरण दिया है इसमें सारे ऑप्शन एक एक करके पुट करना पड़ेगा, जिस भी ऑप्शन से आपका राइट आंसर आ जाए वही आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन इसमें पुट करके बताता हूँ कैसे करना। देखिए 6 की जगह पर हमें 4 लिखना और 4 की जगह पर क्या लिखना है, 6 लिखना। देखिए 200 6 की जगह पर 4 लिखा माइनस 14 गुणा 2 माइनस 8 बराबर 24 की जगह 4 की जगह पर 6 लिखना गुणा 25 भागे 5। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 200 में से 4 गए 196, 196 में हमने 14 का डिवाइड किया, 14 है 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 6 चौका 24 और यहाँ पर कितना 25 तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 बचा, यहाँ पर 20 बचा, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर,
अब आगे आपको कोई भी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहीं तक सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन भी सॉल्व करने बैठ जाओ, ठीक है? देखिए यहाँ से R18, N14, 10 और 2। देखिए 18 से 4 कम किया 14 आया, 14 से 4 कम किया 10 आया, 10 से 4 कम किया 6 आएगा, 6 से 4 कम किया 2 आएगा, ठीक है? तो 6 पर हमारा क्या आता है भाई? F आता। Q17, M13। तो देखिए 17 से 4 कम किया 13 आया, 13 से 4 कम किया 9 आया, 9 से 4 कम करेंगे कितना आएगा 5, तो 5 पर हमारा क्या आता? E आता। देखिए F ही ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही निकालो आप ऑप्शन, आगे बढ़ जाओ बस, ठीक है? ये हमारे इससे हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा और इस टाइम का यूज हम मैथ के क्वेश्चनों में कर सकते हैं, ठीक है? चले आगे, अब आगे भी आप लोग इसका निकाल लेना, ठीक है? कैसे लॉजिक का मैंने आपको निकालना बता दिया, ठीक है? इसका शॉर्ट से चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 90 से 6 कम किया 90, यानी 96 से 6 कम किया 90 आया, यहाँ पर कितना कम किया बताइए? 24 कम किया, यहाँ पर कितना कम किया? 30 कम किया। तो देखिए कहीं ना कहीं 6 के पहाड़ से कम हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर कितना कम होगा? 12, फिर यहाँ पर 18 और फिर 24, तो 12 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 78 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बताइए चले आगे, आया समझ में इतना? चलिए देखिए ऊपर का संबंध नीचे से दिया गया है, तो पीछे जाने का संबंध किससे हो जाएगा? आगे जाना। कोई व्यक्ति पीछे जा रहा है तो कैसे जाएगा? आगे। क्लियर? आगे बढ़ना, पीछे जाना, आगे बढ़ना, यानी दूसरे के विलोम शब्द दिए गए, तो यहां पर क्या आना चाहिए था? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। क्लियर? चले आगे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? आपको सारे ऑप्शन इसमें पुट करना है, जिस भी ऑप्शन से आपका राइट आंसर आएगा भाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन को, तीसरा वाला इसका राइट आंसर है, तो मैं तीसरे वाले को इसमें पुट करके आपको बताता हूँ कैसे निकालना। देखिए इसका प्लस की जगह पर आपको गुणा करना, गुणा की जगह पर आपको प्लस करना है बस। देखिए 104/8 - 24 गुणा की जगह पर प्लस करना और प्लस की जगह पर गुणा करना बराबर 34। देखिए 104 में हमने इसका भाग दिया, 8 * 8, 8 * 24 -24 13 + 5 = 45। देखिए इसको इसमें से हमने माइनस किया कितना आ जाएगा? 21, 11 बचेगा, प्लस 45 माइनस की 11 घटा दिया कितना बचेगा? 34 बचेगा भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए लास्ट वाला दूसरे नंबर पर गया और आगे से दूसरा वाला उसके उसके बाद गया, अब आपको ये दोनों चेंज करना है, ठीक है? बस जे के बाद जे से कितना कम हुआ? देखिए 4 ऐड किया 14 आया और 1 में 26 में 1 ऐड किया 1 आया। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, लास्ट से लास्ट वाला वर्ड कहाँ जाएगा आपका? आगे से दूसरे नंबर पर, ठीक है? तो देखिए आगे से दूसरे नंबर पर जाएगा लास्ट वाला वर्ड, ठीक है? बताइए आगे से दूसरे नंबर पर जाएगा लास्ट वाला वर्ड। देखिए ये कहां जाएगा? और भी तरीका हो सकता है, ठीक है? इससे निकलेगा इसका आंसर। देखिए और भी तरीका हम दूसरा इसमें देखते हैं, इसको साफ कर दूंगा मिनट, एक सेकंड। देखिए जे में हम 10 में 4 जोड़े 14 आया, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी आएगा। 22 पर क्या था हमारा? वी आता। अब देखिए डी 4 से 23 हुआ, 23 हुआ, देखिए 23 हुआ और 23 से कितना हुआ? 16 हुआ, 16 से हमें बताना क्या हुआ। देखिए डी से 4 कम 23 हुआ, कितना कम किया? 7 कम किया और 7 से यहाँ पर भी हमने 7 कम किया, तो हम 16 से 7 कम करेंगे कितना आएगा बताइए? 16 से 7 कम करेंगे हम 9 आएगा, तो आई आ जाएगा। तो बी आई से कौन सा ऑप्शन शुरू है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
आगे सॉल्व करना है बता दें, आगे और कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जेड से चार ऐड किया, डी आया चार में, चार ऐड किया आठ आया, आठ में चार ऐड करेंगे बारह आएगा यानी एल आएगा। बस इसी तरह आप डब्ल्यू को देखें, डब्ल्यू से तेईस, तेईस में चार ऐड किया सत्ताईस यानी ए आया, ए में चार ऐड करेंगे पाँच आएगा, पाँच में चार ऐड करेंगे आई आएगा, तो वी एल आई वी एल आई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सब में क्या हो रहा है चार ऐड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आप हमें इसको अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार जमाना है। ठीक है, तो देखिए आई एन से स्टार्ट ए भी है, आई एन से स्टार्ट ए भी है, आई एन से स्टार्ट ए भी है, आई एन से स्टार्ट ए भी है और आई एन से स्टार्ट ए भी है। अभी हम नहीं बता सकते कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। अब देखिए इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें भी है तो ई पहले आ जाता, तो चौथा वाला पहले आ जाएगा। अब देखिए इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें भी है तो अभी जो लास्ट में जाएगा। ठीक है, भी तो अपना लास्ट में चला ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई आई ई पहले आता तो दूसरा वाला आ जाएगा। अब देखिए आई आई डी पहले आता तो वन आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। क्लियर आया समझ में इतना? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें उन्होंने उल्टा कर दिया। देखिए उन्होंने एस एच ए के ई को एच के एस ए ई लिख दिया। देखिए ई का ई रहने दिया कि यहाँ पर आ गया और एच यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया और एस यहाँ पर आ गया। इसी तरह आप ओ सी को लिख दीजिए, देखिए ओ सी ई ए एन को लिख दीजिए। तो देखिए एन जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए एन जहाँ पर वहीं पर रहा। अब देखिए तीसरा वाला वर्ड कहाँ गया, इसके बाद आ गया ई आ गया। ए कहाँ गया, देखिए के कहाँ गया, इसके पहले गए। अब ए वाला कहाँ जाएगा, इसके इसके बाद आ जाएगा ओ आ जाएगा। अब देखिए सी कहाँ आएगा, सबसे पहले पर आएगा, और ए कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बस सी ए ओ ई एन, देखिए सी ए, सी ए ओ ई एन कहाँ दिया बताइए, बताइए कहाँ दिया, एक सेकंड मैं इसको साफ करके एक बार बता दूँ। देखिए क्या गलती, कुछ मिस्टेक हुई ना इसमें, देखिए कुछ मिस्टेक हुई समय। देखिए इसको उन्होंने क्या लिखा, एच के, एच के एस ए ई लिखा। तो देखिए एच के एस ई लिखा, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए एस तो जहाँ पर है वहीं पर रहने दिया उन्होंने, यहाँ पर एच यहाँ पर आ गया, के यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर है वहीं पर रहने दिया, इतना किया देखा उन्होंने ऐड। अब देखिए कैसे किया उन्होंने, हम घटा बढ़ा के तो कर नहीं सकते। देखिए जैसे इसको भी उन्होंने कैसे लिखा, देखिए रिवर को भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिवर से हमारा कोई लॉजिक अलग तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं तो रिवर को भी चौक चेक कर लेते हैं। देखिए आर वी ई आर, देखिए पी आर आर वी ई आई, हाँ देखिए यहाँ पर इसमें कोई मिस्टेक है तो इससे निकाल दीजिए। देखिए इसका आंसर, देखिए तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए इस टाइप इसके लॉजिक से इसका आंसर निकल रहा है। ठीक है, देखिए कैसे निकल रहा है, देखिए इसमें क्या हुआ, आर आर पहला और लास्ट वाला आ गया। देखिए क्या हुआ इसमें, देखिए ये सी, अब जे वाला वर्ड जाएगा। ठीक है, सी फिर एन आएगा, फिर ए आएगा, यानी आगे बढ़ती चली सीरीज, फिर ई आएगा, फिर ओ आएगा। क्लियर, तो कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर 10 ऐड किया 18 आया, यहाँ पर 14 ऐड किया 32 आया, यहाँ पर 18 ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 22 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 28 ऐड करेंगे, तो इतना आ गया। तो यहाँ पर हम 18 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आज की क्लास आप लोगों कैसे लगी, बढ़िया। यदि आप लोगों को आज की क्लास शानदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।